तो कई लोगों का सवाल रहता है कि आप अपना वीडियो कैसे बनाते हो, क्या करते हो, कितने लोगों को रखते हो। उसके साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों का बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना सेटअप का टूर तो नहीं कराने वाला हूँ आज, लेकिन दोस्तों मैं सुबह से लेकर उसके बाद से जब तक वीडियो नहीं बन जाता है तब तक मैं क्या करता हूँ सब कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे इस ब्लॉगिंग वाले वीडियो को आप देखो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग भी खुलेगा और बहुत ज़्यादा आप समझ भी पाओगे मतलब यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है। जी दोस्तों, और मतलब सब कुछ दिखाने वाला हूँ और अपना है यहाँ पर टूर और मतलब यहाँ पर स्टूडियो टूर वगैरह तो नहीं कराऊंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाक से देखते हैं अगले दिन से हम क्या करते हैं, मतलब आज से तो नहीं बनाएंगे, इसके अगले दिन से देखेंगे कि क्या हम करते हैं शुरू से, क्योंकि अभी वीडियो बन चुका है। और दोस्तों एडिटिंग वगैरह का भी बाद में आपको बताएंगे इसी चैनल पर। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे ही हम अपने घर से निकल चुके हैं अपने ऑफिस की तरफ। और दोस्तों अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंड है, इसलिए गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाएंगे, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलाएंगे, 50 के आसपास में हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों यकीन मानिए मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा है यार, क्या आपको बताएं हम। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा न्यू वाला ऑफिस जो कि बन रही है अभी, इस पर काम लगी हुई है और बहुत जल्दी बन जाएगी, तो इसका भी आप ब्लॉगिंग देखेंगे। रात को इसी में कैमरा छूट चुकी थी, तो इसलिए दोस्तों हम कैमरा को इसमें से ले जाएंगे, रात को कुछ काम था इसलिए दोस्तों कैमरा हम इसमें लाए थे। और इसी में सभी बंदे अभी काम करते हैं, 5-6 बंदे जो इनका हम दिखाएँगे आपको अगले ब्लॉग्स में कि क्या क्या वो काम करते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सुबह में ही हम आ जाते हैं और ये बंदे से वो भी ये 10 बजे के बाद से ही आते हैं, क्योंकि उनको सुबह में खाना वाना खाना होता है, दिन भर रहना होता है, इसलिए दोस्तों लेट से आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही अकेला जा रहा हूँ और सभी लोग सोए हुए हैं भाई, मतलब कि कोई भी नहीं जगा हुआ है, सब कोई सोया हुआ है और बिल्कुल चुपके से जा रहा हूँ। और ये रहा देखिए दोस्तों हमारा ऑफिस और बाहर सबका चप्पलें वगैरह पड़ी हुई है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोलते हैं अपने स्टूडियो का। और दोस्तों देखिए अंदर, मतलब मैंने बिल्कुल ही रात को ऐसे छीट छाड़ के चल जाता हूँ, मतलब बिल्कुल ही अपने सामान का इज्जत से नहीं रखता हूँ। देखिए दोस्तों अब सबसे पहले अंदर से बंद कर दूँ ताकि अंदर से बाहर आवाज़ ना जा पाए और बाहर से अंदर आवाज़ ना आ पाए। हमने इस स्टूडियो को ऐसे कस्टमाइज किया है कि ना ही अंदर से बाहर ना ही बाहर से अंदर आवाज़ जा पाएगी। और दोस्तों अकेले ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ ताकि दोस्तों कोई बंदा रहेगा तो थोड़ा हंसी मजाक होगी तो वीडियो नहीं बन पाता है, या तो फिर उसका चेहरा देखेंगे तो हंसी आ जाएगी। इसलिए दोस्तों अकेले हम वीडियो को शूट करते हैं और बहुत ही आसानी से दोस्तों देखेंगे कितनी आसानी से हम शूट करते हैं। दोस्तों आते सबसे पहले अपने टीवी को हम चालू करते हैं क्योंकि मूड फ्रेशनर कोई गाना बजाना होता है यार, यकीन मानिए दोस्तों मूड फ्रेशनर गाना सुनने के बाद से मजा ही आ जाती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मतलब कि अंदर अंदर कोई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हम हेलोन है। और ये आ रही हमारे कुछ स्टैंड वगैरह भी भरी हुई है, इसमें हम सामान रखते हैं या तो फिर कोई बंदे को काम करना होता है तो आके इसमें करता है, मतलब कि बहुत सारे काम है जो कि आपको बताएंगे कि कौन बंदा से हम क्या काम करवाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस ब्लॉग्स में हम रिवील नहीं करना चाहेंगे। मतलब आपने देख नीचे जो हमारा बड़ा वाला बन रहा है ना स्टूडियो, उसी में मतलब और ज़रा मजा आने वाला है, कुछ दिन में उसका ब्लॉग्स भी आएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये टीवी चालू हो चुका है जो कि मी का टीवी है, शाओमी वाला टीवी है, काफ़ी हद तक टीवी अच्छा है भाइयों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने चालू कर दिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा हमारा फ़ोन फुली चार्ज है और कौन सबसे कम है, क्योंकि चार्ज में भी लगाना होता है और इसमें एक ही चार्जर है, नीचे वाले स्टूडियो में सभी चार्जर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्विच वाला फ़ोन सबसे कम चार्ज है यार, इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इसको चार्ज में लगा दिया है और इसके साथ ही टीवी में सबसे पहले एक हम मूड फ्रेशनर गाना सुनेंगे। इस मॉर्निंग का टाइम है, गाना नहीं सुनेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट भी होंगे और बहुत ज़्यादा आपकी जानकारी भी मिलेगी कि कैसे क्या कुछ करते हैं और कैसे वीडियो बनाते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गाड़ी वाला होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम अपने टीवी को सबसे पहले यहाँ पे चालू कर दिए हैं और यहाँ पे गुड मॉर्निंग वगैरह संग को सर्च कर लेते हैं यार, ताकि कोई अच्छा गाना बजा सके, मूड भी फ्रेश हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मतलब कि एक अच्छा गाना हमको मिल चुकी है और इसी को बजा लेंगे। और वाह, भले ही कोई गुड मॉर्निंग ना बोले लेकिन मेरा टीवी ने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, वाह टीवी गुड मॉर्निंग भाई, अपने टीवी से हम प्यार कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मतलब समय भी 8 बजने वाला है, मतलब थोड़ा टाइम समय लग चुका है आने में। और दोस्तों ये हमारा कॉपी है और दोस्तों इसी पर हम अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं सबसे पहले। और ये हमारा लैपटॉप रही जो कि एप्पल की स्टिकर सटी हुई है, लेकिन दोस्तों ये मी का लैपटॉप है, शाओमी का लैपटॉप है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता, तुरंत ही काम करता है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और मतलब इसमें एप्पल का स्टिकर साटा हूँ ताकि अच्छा लगे लुक वगैरह में। और वैसे तो लैपटॉप देखिए दोस्तों से बटन प्रेस करते ही ये लैपटॉप चालू हो जाता है, बहुत ही फास्ट है भाई ये लैपटॉप, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मतलब गाना सुनते हुए काम करने में मन भी लगता है और
बेडरूम से हमारा लैपटॉप चालू हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं तो रात को ही सब टॉपिक सोच लेता हूँ कि सुबह क्या बनाना है, खोल लेता हूँ। फिर भी दोस्तों मैं आज क्या करता हूँ आपके सामने देखिए, मैं फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर कोई मोबाइल, यदि मेरे को मोबाइल का रिव्यू करना है तो मैं मोबाइल का यहाँ पर देख लेता हूँ कोई अच्छा खासा, जो कौन सा मोबाइल अभी अच्छा खासा है। तो मैं उस मोबाइल को, जैसे मेरे को सैमसंग का F23 का बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रिप्ट मैं इसलिए नोट पर नहीं लिखता मोबाइल पर क्योंकि मज़ा नहीं आता, थोड़ा कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो बताऊँगा किस लिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर मतलब मेरे राइटिंग इतना ज़्यादा ख़राब है, जैसे आपने डॉक्टरों का राइटिंग देखा होगा वैसे ही मेरी हैंड राइटिंग है यार। लगता है मैं डॉक्टर ही बनने वाला था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया यार। यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग मतलब यार मैं कैसा लिखता हूँ, मैं खुद ही अपना लिखा हुआ पढ़ पाऊँगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ पाता यार। और थोड़ा मतलब नॉर्मल में ही लिखता हूँ ताकि दोस्तों मैं खुद समझ आऊँ, दूसरा कोई ना समझ पाए, लेकिन दूसरे के पास कॉपी वगैरह भी जाता है तो नहीं समझ पाए जब मैंने क्या लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों अब थोड़ा और अपना राइटिंग वगैरह बिगाड़ लिए हैं। और दोस्तों गाना एक में बज रही है, टीवी में गाना बज रही है, उस लैपटॉप से टॉपिक डेट कर लिख रहा हूँ। और दोस्तों रात को भी मैं टॉपिक सोच लेता हूँ, लेकिन दोस्तों लिखता सुबह में हूँ, रात को मैं कुछ नहीं लिखता हूँ क्या करना है, सिर्फ सोच लेता हूँ। और सुबह में देखिए दोस्तों मतलब कि मॉर्निंग का टाइम कोई भी नहीं जगा हुआ है यार, बाहर बिल्कुल सुनसान है। और हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि मैंने गाना बजाया हुआ है और कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑफ कर दिया। दोस्तों टाइम वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हमने अपना स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी कर दिया है, आप देख ही सकते हैं। और सबसे पहले अपने लैपटॉप को यहाँ पर ऑफ करेंगे और इसको अंदर की तरफ ढकेल देते हैं। यार यहाँ पर क्या करोगे लैपटॉप भाई तुम, तो यहाँ पर अंदर हमारी लैपटॉप हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने फिर से मोबाइल को चार्ज में से निकाल दिया था, चार्ज में लगा देता हूँ भाई अपने Asus वाले फ़ोन को। और यहाँ पे देखिए मतलब कि यार सबसे पहले थोड़ा तैयार हो जाए यार, और हम लड़के हैं भाई, टाइम नहीं लगती है भाई, लड़की सब में टाइम लगती है, लड़कों में टाइम नहीं लगती है। और दोस्तों इस कंघी से बहुत ही आसानी से बाल वगैरह हमारा बन जाता है यार, मज़ा आ जाता है भाई। और यहाँ पर थोड़ा हम हेयर ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी अपने बाल को सुखाने में, लेकिन दोस्तों ठंडी में ही मज़ा आता है इसका, गर्मी में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मज़ा नहीं आती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम हेयर ड्राइवर का इस्तेमाल में लिए हुए हैं, मतलब देखिए दोस्तों कैसे बाल हमारे उड़ रहे हैं हवे में यार, मज़ा आ गया भाई, आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों मेरे को तैयार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में रेडी यार, बिल्कुल रेडी यार, ज़्यादा समय क्यों गंवाना भाई, मतलब क्या हमको फैशन करना है भाई, किसको दिखाना है भाई। इसलिए दोस्तों थोड़ा हेयर ड्राइवर मार लिया दोस्तों, जल गया बाल, मतलब ज़्यादा मार लेते हैं वहाँ पर जल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक गर्म रहता है। और दोस्तों थोड़ा बाल बना लिया, वाह भाई। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जैकेट पहन के आया हूँ, ठंडी के मौसम में जैकेट निकालना पड़ेगा वीडियो के लिए, और अंदर बिल्कुल ही दोस्तों गर्मी नहीं आती, मतलब गर्मी आती है लेकिन ठंडी नहीं आती है दोस्तों, मतलब आप मानिए चारों तरफ से पैक है तो ठंडी कहाँ से आएगी। मतलब पूरा हमने दीवार वगैरह को भी पैक करवा लिया है, जैसे गाने के स्टूडियो थी पहले लेकिन उसको हमने अप करवा दिया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ छिपकली भी है, छिपकली को देखते हुए हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत से लोगों की हो जाती है और मेरा भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गाय छिपकली रहती है, सब घर में क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों MRI रहे कैनन के 2D Mark II वाले कैमरा, बैटरी भी लगा देते हैं दोस्तों ताकि दोस्तों इसको चालू कर पाए। वो माई गड़े कैसे हाथ से छूट जाता है रे तू बैटरी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बैटरी को लगा दिया है अपने कैमरे में। और यहाँ पे देखिए मतलब एक कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेरे को मदद करता है, मतलब बिल्कुल ही 2-3 आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस कैमरा को मैं रखा हूँ, इसीलिए मतलब मज़ा आ जाता है भाई, क्वालिटी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मतलब इस पर मैं एक लाइट लगा दूंगा, ये वाला लाइट आके दोस्तों लाइट भरपूर दे रहेंगे अपने वीडियो में, तभी तो भाई 4 चांद लगेगी वीडियो में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने लाइट दे दिया है इस वाले को भी, और इसको सबसे पहले मैं कस देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने कितने सारे लाइट भी लगाए हुआ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर जो माइक का पिन है उसमें खोस रहा हूँ, मैं बोया का माइक से ही बनाता हूँ। और यहाँ पे देखिए मतलब कितनी अच्छा मतलब रोशनी है, साथ में दोस्तों आप देखेंगे मतलब कि इसमें इतने सारे लाइट लगाए हुए, एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब पूरा मैंने लाइट लाइट ही कर डाला है रूम में यार। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 2 मोबाइल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, अगर 2 मोबाइल नहीं रहेगा तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मोबाइल में अपने कैमरा को हम कनेक्ट करेंगे, और एक मोबाइल को अपनी TV से कनेक्ट करेंगे, मतलब कास्ट करेंगे, मतलब मी का TV, मी का फोन तुरंत ही कास्ट, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हॉटपॉट बंद करते हैं और अपने TV को हम कास्ट कर लेते हैं। अब आप कहोगे भाई क्यों कास्ट कर रहे हो यार, क्यों करते हो ऐसा यार, देखो तो मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर तो देख लो यार, इसीलिए तो आए हो देखने के लिए ही ना, तो देख लो भाई हम क्यों कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने अपने स्क्रिप्ट का फोटो खींच लिया है, और इसको देखिए दोस्तों रोटेट कर दिया है, और इसके साथ ही दोस्तों फिर से एक बार रोटेट करेंगे क्योंकि उसमें नहीं हो पाया अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि आखिर हमने
क्यों वहाँ पे फोटो क्लिक किया। और देखो सो यहाँ पे देखिए हमारे टीवी में तुरंत ही कास्ट हो चुकी है, मतलब जो भी हमारे स्क्रिप्ट है पूरी टीवी में कास्ट हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी कहीं भी भूलूंगा तुरंत ही टीवी की तरफ नज़र दौड़ाऊंगा, मुझे समझ में आ जाएगा बड़ा बड़ा अक्षर में दिख रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमने इस टीवी को मंगाया हुआ है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा भी है भाई ये टीवी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मतलब कि पूरी तरह से हम रेडी हो चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, इधर कैमरा लगाया है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक मोबाइल में हमारा कैमरा पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है, और कैमरा की जो भी स्क्रीन है हमारे इस वाले फ़ोन में दिखाई दे रही है। और एक से हमने अपने टीवी को कनेक्ट किया है, उसमें फ़ोटो को खींचा हुआ है अपने स्क्रिप्ट की। और दोस्तों देखिए मतलब ऐसे बना रहा हूँ वो बिल्कुल भी यदि गलत होता है, मतलब बिल्कुल भी यदि थोड़ा सा भी गलत होता है तो दोस्तों यकीन मैं तुरंत ही टीवी की तरफ देखेंगे और इसके बाद से हम सही उसको कर लेंगे, सुधार तुरंत ही कर लेंगे। इसलिए दोस्तों हमने फोटोग्राफी खींचा और कास्ट किया डिस्प्ले को। दोस्तों देखिए मतलब वीडियो बना रहा हूँ लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा माइक वगैरह भी ख़राब हो चुकी थी हमारे, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगी थी। और दोस्तों मतलब बिल्कुल ही दोस्तों अकेले बनाता हूँ वीडियो, अकेले बनाता हूँ भले ही एडिटिंग के लिए रखा हूँ बंदे या तो और भी कार्य के लिए बंदे रखा हूँ, लेकिन वीडियो बिल्कुल ही अकेले बनती है। और दोस्तों बिल्कुल ही 9 बजे तक, जी हाँ दोस्तों 9 बजे तक हमारी वीडियो बन के रेडी हो जाती है, वो भी पूरे के पूरे 3 से 4 वीडियो में 9 बजे तक बना लेता हूँ। वीडियो बनाने में मुझे कोई समय नहीं लगता है, बिल्कुल भी डिटेक नहीं होता है, 1 से 2 बार डिटेक होगा कोई भी कभी तो मेरा वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्ट याद रहता है, मतलब ये डिटेक समझ ही नहीं कि ज़्यादा होता है, मतलब वीडियो में आप देखोगे तो बिल्कुल भी डिटेक नहीं होता, इसलिए दोस्तों एडिटिंग करने में भी समय नहीं लगता है। और इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है दोस्तों। और मतलब अकेले रहने का फ़ायदा एक ये भी है, और एडिटिंग के लिए बड़े ही बंदा रखा हूँ लेकिन वीडियो तो मैं भाई मैं अकेले ही बनाऊँगा ये मैंने सोच रखा है, क्योंकि मतलब दिक्कत होती है, 2 बंदे हैं, आप उसका चेहरा देखो आपका चेहरा देखे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि माइक ख़राब हो चुकी थी जैसे कि बताया था, क्योंकि आवाज़ उसका थोड़ा इधर उधर आ रहा था, फिर से मुझे दोबारा भी वीडियो बनाना पड़ चुका और मतलब समय ज़्यादा लग चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉपी भी कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम वीडियो बनाते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझाया हूँ, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आने बाकी है ब्लॉग्स वाले, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कितनी मतलब आसानी से समझाया, मतलब बिल्कुल अपना स्टेप बाय स्टेप कार्य समझाया कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कौन समझाएगा यार, आपका भाई राजा ही ने समझाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, कर लो कर लो। तो चलो भाई इसी साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।